वेलकम दोस्तों, मेरी सोलर पैनल वाली टेक्निकल वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम सोलर पैनल्स के एक टेक्निकल व्यू पॉइंट से डिस्कस करेंगे कि उनके अंदर क्या कुछ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं जहाँ पे हमने पार्ट वन में छोड़ा था। अब जब सूरज है तब तो सोलर पैनल्स ने पावर बना दी, लेकिन सूरज तो हर वक्त रहेगा नहीं, रात भी होगी। अब जब रात को आपको पावर चाहिए तो उसके लिए आपको इस पावर को बैटरीज में स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बैटरीज तीन तरह की होती हैं, एक है लिथियम आयन बैटरीज, दूसरी रहती है लेड एसिड बैटरीज और तीसरी टाइप की बैटरीज रहती है AGM यानी सॉलिड जेल बेस्ड बैटरी। लिथियम आयन बैटरीज लेड एसिड बैटरीज से 4 गुना हल्की होती हैं और सिर्फ आधे से भी कम साइज़ लेती हैं, लेकिन एक सोलर बैटरी वो एफिशिएंट मानी जाती है जो कि रेट में कम हो और एक ज़्यादा डीप डिस्चार्ज हैंडल कर सके। एक सोलर बैटरी की एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है, इसलिए जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी उतना अच्छा आपका सोलर पैनल सिस्टम। यानी कि अगर आप एक लेड एसिड बैटरी लेते हैं तो आप उसको सिर्फ 50-60% तक ही डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर आप इसके नीचे जाएंगे तो आप उसे नुकसान पहुंचा रहे होंगे, लेकिन एक लिथियम आयन बैटरी को आप 5% तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसका मतलब आप उसकी 95% कैपेबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए लिथियम आयन बैटरीज को माना जाता है कि वो 98% तक एफिशिएंट रहती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो आप चार्ज करते हैं उसके बाद डिस्चार्ज करते हैं वो पूरी की पूरी 98% पावर को ही वापस दे पाती है। जेल बेस्ड AGM बैटरीज लेड एसिड बैटरीज की तरह ही होती हैं और उनसे थोड़ी महंगी होती है। बस वो ये फ़ायदा देती है हमें कि उन्हें आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी रखें। हालांकि लेड एसिड बैटरीज को आप ऐसे उल्टा करके नहीं रख सकते, नहीं तो उसका एसिड लीक भी हो सकता है। हल्की फुल्की सी लिथियम आयन बैटरीज लेड एसिड बैटरीज से बहुत ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है, और माना एक बार में इनका रेट ख़रीदने में थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो दोनों का रेट बराबर ही पड़ता है। दूसरी बात, ये फ़ायदा रहता है कि लिथियम आयन बैटरीज करीबन 10 से 12 साल तक चलती हैं, हालांकि लेड एसिड बैटरी हमारी 4 से 5 साल ही चलती हैं। क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज़ का लाइफ स्पेन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म में हमें सस्ती पड़ती हैं। अब हमें इन बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो यहाँ पर काम आता है एक सोलर चार्ज कंट्रोलर। सोलर चार्ज कंट्रोलर का काम होता है कि वो एक बैटरी को उसके निर्धारित मात्रा से चार्ज करे और साथ ही साथ ये मॉनिटर करे कि वो बैटरी ओवरचार्ज ना हो जाए। सोलर चार्ज कंट्रोलर्स मेनली दो टाइप्स के आते हैं, एक होता है PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर, एक होता है MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर। PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर यानी कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन चार्ज कंट्रोलर, जो कि हमारे पैनल की 18 वोल्ट को बैटरी के लिए 12 वोल्ट चार्जिंग वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और यूजुअली ये ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं। इनके अंदर एक डिस्प्ले स्क्रीन लगी होती है जो कि हमारी पैनल से जनरेट होने वाली पावर आउटपुट को बताती है और हमारी बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज भी बनाती है। यूजुअली एक PWM चार्ज कंट्रोलर की एफिशिएंसी 30-35% की ही रहती है। दूसरा टाइप होता है MPPT चार्ज कंट्रोलर, यानी कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग चार्ज कंट्रोलर। MPPT चार्ज कंट्रोलर्स का रेट PWM वालों से करीबन 2 गुना ज़्यादा रहता है, लेकिन इनकी एफिशिएंसी भी उनसे करीबन 3 गुना ज़्यादा रहती है। तो जहाँ पर एक PWM चार्ज कंट्रोलर सिर्फ 30% एफिशिएंट होता है, वहीं पर एक MPPT चार्ज कंट्रोलर पूरी 98% की चार्जिंग एफिशिएंसी दिखाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक सोलर पैनल अपनी मैक्सिमम पावर एक ऐसी वोल्टेज पर जनरेट करता है जो कि बैटरी की वोल्टेज से यूजुअली ज़्यादा होती है, तो जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है उसे वोल्टेज को ट्रैक करता है और जो वोल्टेज डिफरेंस बच जाता है फिर उस वोल्टेज डिफरेंस को वो एक्स्ट्रा चार्जिंग करंट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि बैटरी की फास्ट चार्जिंग होती है। हालांकि PWM चार्ज कंट्रोलर में वो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज डिफरेंस की वजह से पावर बचती है वो सारी वेस्ट चली जाती है। अब हम बात करेंगे एक सोलर पैनल का लाइफ स्पैन कितना होता है। वैसे तो एक सोलर पैनल का लाइफ स्पैन करीबन 30 से 40 साल होता है, लेकिन चलने को तो ये 50 साल भी चल जाते हैं। जो दिक्कत रहती है वो ये है कि इनकी एफिशिएंसी जो है वो हर साल के साथ 1% कम होती जाती है। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स 25 साल की गारंटी देते तो हैं, लेकिन जो बातें उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में छुपी होती हैं वो ये है कि एक तो आपका सोलर पैनल प्रोफेशनली इंस्टॉल्ड होना चाहिए और उनके सेट पैरामीटर्स के थ्रू ही इंस्टॉल्ड होना चाहिए, जिसके लिए आप वारंटी क्लेम करने जाएँ तो आपको उनकी वारंटी मिल सके। वारंटी तब ही क्लेम करी जा सकती है जब आपके पैनल पर कोई एक्सटर्नल डैमेज ना हो। वारंटी क्लेम करने के लिए या तो आपका पैनल बिल्कुल भी पावर प्रोड्यूस ना करे, या फिर 25 साल के दौरान अगर आपका पैनल कभी भी 80% से कम पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ही आप वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। एक सोलर पैनल को इन कुछ पैरामीटर्स पे भी क्लासिफाई किया जाता है। शॉर्ट सर्किट करंट, ये वो करंट होता है जो एक पैनल जनरेट करता है जब उसके दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, और ये मैक्सिमम करंट होता है जो कि एक सोलर पैनल दे सकता है। ओपन सर्किट वोल्टेज, एक ओपन सर्किट वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जो एक पैनल के टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें मिलती है जब उसके अक्रॉस कोई भी लोड ना लगा हो। मैक्सिमम पावर जो कि एक सोलर पैनल दे सकता है,
ये पावर स्पेसिफाई करी जाती है कि एक सोलर पैनल कितनी मैक्सिमम पावर दे सकता है अपने एसटीसी यानी कि स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस पे रेटेड वोल्टेज। ये वो वोल्टेज होती है जिस पे आपका पैनल मैक्सिमम पावर जनरेट करता है, यानी कि मैक्सिमम पावर पॉइंट के थ्रू ये मैक्सिमम जो पावर जनरेट करेगा वो होती है रेटेड वोल्टेज। नॉमिनल वोल्टेज, नॉमिनल वोल्टेज एक ऐसी वोल्टेज होती है जिसके लिए आपके अप्लायंसेज डिजाइंड होते हैं। जैसे कि अगर मुझे एक 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करना है तो मैं एक 12 वोल्ट नॉमिनल रेटेड पैनल चूज करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस आज इतना ही, तो चेक करना ना भूलें मेरी सोलर पैनल से रिलेटेड पूरी वीडियो सीरीज़।